One more for them. बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल भाभी ने बड़ा बनाने के लिए सारा सामान मिला लिया है, बस अभी छानना शुरू करते हैं। तो चलिए छानते हैं अभी बड़ा। ये जो रेसिपी है एकदम फटाफट बनने वाला नाश्ता है, एकदम आपने घर में ज़रूर ट्राई करें और 5-10 मिनट के अंदर सारा मील बन जाता है। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि ऐसे ही रेसिपी मेरे ब्लॉग में रोज़ रोज़ देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ा बनाना। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह कुछ 10:30। बस थोड़ा फ्रेश होके मैं थोड़ा खा चुका हूँ, तो अभी चलते हैं हमारा को जो मुर्गी फार्म है जो बनाया था, एकदम कीचड़ कीचड़ करे थे तो बाबूजी और मैं कीचड़ जो करे थे नीचे, तो देखते हैं वो ठीक हुआ कि नहीं। तो बहुत दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया, तो देखते हैं अगर वो ठीक हो जाता है तो उसे थोड़ा पिटाई करेंगे और इसके ऊपर मिट्टी लेपना पड़ेगा, क्योंकि और 10-12 दिन के बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ मुर्गी का चूजे ला के छड़ेंगे यहाँ पर। और आगे तो आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, तो हमने जो कीचड़ किया था ना, ये देखिए थोड़ा फट चुका है, मतलब ये सूखा सूखने को लगा है, तो अभी अभी सूख रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा नमी है, तो इसे थोड़ा पिटाई करेंगे। ये देखिए इसे थोड़ा पिटाई करेंगे तो ये दब जाएगा, और ये जो फटा हुआ है ये सारा भी बंद हो जाएगा। तो अभी थोड़ा पिटाई करेंगे, और ये सारा देखिए एकदम खराब हो चुका है। बहुत दिन से हमने चूजे नहीं छोड़ी थी, तो ये खराब हो चुका था, मतलब जैसे कि चूहे ने उसको काट के एकदम होल बना लिया था। तो उसके बाद बाबूजी और मैं ये सब किया, तो अभी अभी पिटाई करेंगे और ये सब साफ करेंगे। ये देखिए इस तरफ, ये देखिए ये सब लगा हुआ है, तो इसे थोड़ा झाड़ के साफ करना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो चलिए अभी साफ करते हैं, इसे झाड़ के एकदम साफ करेंगे पहले। फिलहाल दोपहर हो चुकी है, बस करते हैं लंच। लंच में खाते हैं मछली करी और साथ में राइस, तो पहले गेलू को खिलाते हैं फिर खाएंगे हम बाद में। फिलहाल गेलू खा चुका है, बस अभी हम खाएंगे।
फाइनली अभी हो रहा है शाम को 6:30, तो अभी कुछ खाने को मन कर रहा है, जैसे कि कुछ नाश्ता वगैरह, कोई चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो इसीलिए तो भाभी को मैंने बोला कि कुछ बनाने के लिए, तो भाभी आज कुछ बनाएगा स्पेशल, चलिए देखते हैं क्या बनाता है। ये देखिए दोपहर का भात रखा था भाभी ने, तो इसे आज बनाएगा भात का वो बड़ा बनाएगा, तो देखते हैं वो कैसा बनाता है। चलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो देखते हैं भाभी भात का कैसे बनाता है बड़ा। पहले इसे ग्राइंडर में डाल के उसे ग्राइंड करते हैं और पेस्ट जैसा बनाना है, तो पहले पेस्ट बना लेता है भाभी, तो देखते हैं पेस्ट बनाने के बाद तो इसमें डालेगा भाभी क्या क्या डालता है। फाइनली भात तो ग्राइंडर हो चुकी है और पेस्ट तो बन चुकी है, बस अभी थोड़ा इसे निकाल लेते हैं कटोरी में और फिर बनाएंगे बड़ा। फाइनली बड़ा बनाने के लिए पेस्ट को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और अभी इसमें डालते हैं सूजी, तो सूजी को ठीक से मिलाते हैं, अच्छी तरह से मिलाते हैं। सूजी मिलाने के बाद अब मिलाते हैं प्याज, प्याज के साथ कड़ी पत्ता और साथ में चिल्ली पाउडर और सारा सामान नमक वगैरह मिला के, तो पहले डोते बना लेते हैं। फाइनली सारा सामान मिलाने के बाद अभी तेल में छानते हैं बड़ा को, चलिए शुरू करते हैं छानना। ये देखिए बड़ा तो मस्त बनी है, एकदम कुरकुरा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनी है, तो आप लोग भी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली हमारा वो भात का बड़ा बन के रेडी हो चुकी है, देखिए कितना सुंदर बनी है, तो सारे लोग खाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम को 7:30 का ऊपर हो चुका है, बस भूख भी लगी है, चलिए खाते हैं सारे लोग मिलके, इसके साथ में मिर्ची का चटनी। फिलहाल हमारा भात का बड़ा बन के रेडी हो चुकी है, बस खाते हैं सारे लोग मिलके, चलिए खाना खाएंगे। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया तो जरूर एक लाइक करना और चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए आज खाना शुरू करते हैं, तो ये रहा हमारा भात का बड़ा, तो सारे लोग मिलके खाएंगे, दिखाते हैं आप लोगों को टेस्ट कैसा है और कैसी बनी है। तो चलिए
फाइनली टिफिन तक खा चुके हैं, तो भात का भरा एकदम मस्त बनी थी, तो सारे लोग मिलके खाए साथ में मिर्ची का चटनी, एकदम मन भर गया। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।